आदिवासी बहुल इलाके में इस वक्त मैं आ चुकी हूं और आपको बताते चले इस बार आदिवासी मतदाता ही बनने जा रहा है यहां पर तमाम नेताओं का भाग्य विधाता। 20 सीटें आरक्षित हैं और इन 20 सीटों के लिए पूरा दाव लगा चुकी है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, दूसरी तरफ कांग्रेस और सीपीएम का गठबंधन, तो वहीं तीसरी तरफ तीपरा मोथा पार्टी जो अलग तीपरा लैंड की मांग को लेकर चुनावी मैदान में है। इन तमाम पार्टियों की किसकी लहर यहां पर ज्यादा होगी कामयाब, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो यहां की जनता के जेहन में हैं, आज इसी बात की करने वाले हैं हम बड़ी पड़ताल। आपको बताते चले एक तरफ मिजोरम, दूसरी तरफ नागालैंड, लेकिन सबसे ज्यादा आबादी लक्षद्वीप की है। आदिवासी बहुल इलाकों की अगर हम बात करें और इस मामले में त्रिपुरा आ जाता है 7वें नंबर पर। ऐसे में अलग अलग हिस्सों में जाकर आज तमाम मुद्दों की करने वाले हैं बड़ी पड़ताल। यहां की जनता के दिल में क्या है चलिए जानते हैं। त्रिपुरा में सियासत का पारा चरम पर है। आदिवासी समुदाय पर बीजेपी लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन, तीपरा मोथा और टीएमसी सभी की निगाहें हैं। लेकिन सवाल है कि आदिवासियों के मन में क्या चल रहा है। ऐसे समझिए कि आदिवासी समाज का मन जो जीत लेगा उसी पार्टी के सिर पर त्रिपुरा का ताज सजेगा। पहले देश और त्रिपुरा में आदिवासी आबादी का अंकगणित समझें। भारत में करीब 10 करोड़ 40 लाख आदिवासी आबादी हैं, जो देश की कुल आबादी के करीब 8.6% है। देश में सबसे ज्यादा आदिवासी आबादी मध्य प्रदेश में है। एमपी में करीब 1.5 करोड़ लोग आदिवासी समुदाय से आते हैं। त्रिपुरा आदिवासी आबादी के मामले में देश में 7वें नंबर पर है। त्रिपुरा में कुल जनसंख्या की 31.8% आबादी आदिवासी है। आदिवासी समाज कई राज्यों में सियासी खेल बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखता है। देश के 47 लोकसभा सीटें और 487 विधानसभा सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने इन 47 आरक्षित सीटों में से 31 पर जीत हासिल की थी। त्रिपुरा की ये 20 सीटें क्यों महत्वपूर्ण है जरा वो जान लीजिए, क्योंकि इतिहास के पन्नों को अगर पलट कर देखें तो यही 20 सीटें ये निर्धारित करती रही हैं कि त्रिपुरा की राजगद्दी पर आखिर कौन बैठेगा। और अगर झांक कर हम देखें 2018 के आंकड़ों को तो भारतीय जनता पार्टी, जिसने आईपीएफटी के साथ गठबंधन किया था, बीजेपी को 10 सीटें मिली थी, आईपीएफटी को 8 सीटों पर विजय मिली थी। जबकि 2013 के विधानसभा चुनावों की बात करें तो उस समय सीपीएम ने यहां पर 18 सीटों पर जीत हासिल की थी, एक पर सीपीआई और एक पर कांग्रेस पार्टी को विजय मिली थी। इसी वजह से पूरी ताकत इन तमाम पार्टियों ने इन 20 क्षेत्रों को जीतने के लिए मौजूदा वक्त में लगाकर रखी हुई है। भारत माता की, बीजेपी, बीजेपी, वंदे। बीजेपी हर मंच से आदिवासी समाज के लिए किए गए कामों और योजनाओं को गिनाने से नहीं चूकती। देखिए केंद्र सरकार आदिवासी समाज के लिए कौन कौन सी योजनाएं चला रही हैं। आदिवासी शिक्षा ऋण योजना, सावधि ऋण योजना, आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना, स्वयं सहायता समूहों के लिए सूक्ष्म ऋण योजना, निजी जनजातीय समूहों का विकास, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, वनबंधु कल्याण योजना, आदिवासी कल्याण योजना, राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति योजना। हम जैसे जनजाति भाइयों के लिए समर्पित हैं, हम आदिवासी भाइयों के लिए समर्पित हैं, और इसलिए हम लोगों ने तय किया है कि जो हमारे आदिवासी भाई परिवार हैं उनको हम 5,000 रुपए का उनको सालाना हम असिस्टेंस देंगे, आर्थिक मदद देंगे, ताकि वह अपने ढंग से काम को आगे बढ़ा सके। यही बीजेपी और एक बार उन्नति होवे लगातार। हिंदुस्तान की आदिवासी बहुल इलाकों को अपने पक्ष में करने के लिए, वहां के मतदाताओं को रिझाने के लिए, वहां की आबादी के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं बीजेपी की सरकार की ओर से की गई। इसी बजट में कई ऐसे प्रावधान किए गए हैं जो आदिवासी इलाकों में अगर खर्च किए जाएं तो यकीनन उनकी सूरत और सीरत बदल सकती है। एक तरफ एकलव्य स्कूलों के जरिए यहां की आबादी को पढ़ाने की कोशिश, तो वहीं दूसरी तरफ ज्यादातर की शिक्षकों में भर्ती कराकर यहां की आबादी को रोजगार दिए जाने का वादा भी किया गया है। लेकिन फिलहाल त्रिपुरा में तीपरा मोथा पार्टी इन तमाम ऐलानों पर ऐसा लग रहा है भारी पड़ती हुई नजर आ रही है।
बार पहली बार चुनाव लड़ रही पीपरा मोथा के समर्थकों का जोश देखते ही बन रहा है। आदिवासी बहुल इलाके में हम आ चुके हैं, 12 कॉन्स्टिट्यूएंसी में इस वक्त मेरी मौजूदगी है, बहुत सारे लोग मौजूद हैं, जरा इनसे चुनाव को लेकर चर्चा करते हैं। क्या चल रहा है सर इलेक्शन में, किसका ज्यादा जोर लग रहा है आदिवासी इलाकों में? मेरा इलाका कुछ ज्यादा पीपरा मोथा का है। लोग डर के मारे तो नहीं कह रहे हैं कि पीछे उनका दफ्तर है इस वजह से यहाँ पर सारे लोग बैठकर, डर तो नहीं है इस बात का? वो तो पहले कर चुका है ना, सीपीएम भी कर चुका है, कांग्रेस भी कर चुका है, कुछ भी नहीं किया। अच्छा। हम लोगों का जो एरिया है ना, कुछ भी डेवलप नहीं हो रहा है, तो अभी पानी भी अच्छा पानी नहीं मिल रहा है। ठीक, पानी टैंकी है, ये पानी अच्छा नहीं है। अच्छा, ये पानी की टंकी लगी हुई है लेकिन पीने के लायक ये पानी नहीं है, आप ऐसा नहीं? हाँ, देखिए इन लोगों का ये कहना है, मैं चाहूंगी कि संजय हमारे साथ आते रहें, ज्यादातर लोग जो बैठे हुए हैं इनका ये मानना है कि त्रिपुरा मोथा पार्टी ही इस बार सत्ता में आने जा रही है और ये उसका छोटा सा दफ्तर है। यहाँ 12 इलाके में हमारी मौजूदगी है, 4 लोग ऐसे हैं जो इस वक्त आप देख रहे हैं कैसे कैरम खेलते हुए नजर आ रहे हैं। जीत मिल रही है? हाँ, मिल रहा है पार्टी को की कैरम में? कौन जीत रहा है? मैं जीत रहा हूँ। आप जीत रहे हैं? आपकी पार्टी जीत रही है? त्रिपुरा मोथा इधर आइए, आप बताइए, लग रहा है कि आप लोगों का यहाँ पर प्रभाव है? प्रभाव है, ठीक है। ज्यादातर लोगों का यही कहना है त्रिपुरा मोथा ही जीतेगी। अब इनके दावे में कितना दम है इसके लिए तो हमें थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन आदिवासी इलाकों में जब आप जाएंगे तो वहाँ के समीकरण इस बार बदले हुए नजर आ रहे हैं। हमने भी ये समझने की कोशिश की कि आखिर त्रिपुरा मोथा क्यों परिवर्तन का दावा कर रही है। दरअसल त्रिपुरा में आदिवासी समाज लंबे समय से अलग ग्रेटर त्रिपुरा लैंड की मांग कर रहा है। त्रिपुरा मोथा आदिवासी समुदायों को नई मातृभूमि का वादा करके उनकी ध्यान अपनी पार्टी की तरफ आकर्षित करने में कामयाब होती हुई नजर आ रही है।